यहाँ पे फ्रेंड्स यूट्यूब पे कुछ दिन से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है माय फर्स्ट ब्लॉग, यानी कि माय फर्स्ट ब्लॉग का जो है कीबोर्ड और टैक्सी सब कुछ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो माय फर्स्ट ब्लॉग्स का मतलब क्या है और ये वायरल कितना हो रहा है, ये क्यों किसी का भी मतलब कि यहाँ पे अगर ब्लॉग से हो तो इतना जल्दी वायरल क्यों हो जा रहा है फर्स्ट ब्लॉग, भले ब्लॉग चाहे कोई भी हो, सेकेंड हो, फर्स्ट हो या थर्ड हो चाहे फोर्थ हो, लेकिन फिर से यहाँ पे माय फर्स्ट ब्लॉग का नाम देने के बाद वो वायरल क्यों हो रहे हैं आज की इस वीडियो में सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। सो गाइस, मैं हूँ सुजीत सनी और स्वागत करते हैं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए फ्रेंड्स आपको हम बता देते हैं कि आखिर ये माय फर्स्ट ब्लॉग आखिर ये वायरल क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे माय फर्स्ट ब्लॉग का जैसे आप टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सब कुछ लिख लेते हैं तो यहाँ पे आपका जो है वीडियो वायरल हो जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे माय फर्स्ट ब्लॉग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कीवर्ड यूज किया जा रहा है और वायरल भी हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप ही फर्स्ट ब्लॉग बना रहे हैं तो यहाँ पे माय फर्स्ट ब्लॉग का यूज कर रहे हैं नाम और वायरल नहीं हो रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप न्यू क्रिएटर हैं ना यूट्यूबर हैं और चाहते हैं कि अपना जो है चैनल को वायरल करना, ब्लॉग वीडियो बनाना और ब्लॉग चैनल को वायरल करना, तो फ्रेंड्स आप किस तरह से उसे वायरल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको याद रहे कि यहाँ पे जब भी वीडियो आप अपलोड कीजिए तो अपना न्यू चैनल पे वीडियो अपलोड कीजिए, अगर न्यू आप यूट्यूबर है तो नया फ्रेश ईमेल आईडी बनाइए और न्यू फ्रेश ईमेल आईडी बनाने के बाद आपका न्यू चैनल बनाइए ब्लॉग चैनल, और जिस दिन बनाइए उस दिन कम से कम एक वीडियो आप अपलोड जरूर कीजिए, ठीक है। और उसके बाद कम से कम एक सप्ताह के बाद फिर वीडियो अपलोड कीजिए, यानी कि हर एक वीडियो का मतलब कि अंतराल गैप होना चाहिए जो एक सप्ताह का होना चाहिए, रोज़ का रोज़ नहीं आपको डालना है, इससे वायरल तो होगा और लेकिन अगर आप एक सप्ताह का गैप करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा फायदा होगा। तो इस तरह से मैंने कुछ यूट्यूबर से यहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट किया है, संपर्क किया है, तो उन्होंने बताया हमको कि न्यू फ्रेश ईमेल आईडी से न्यू चैनल बनाइए और एक सप्ताह के जिस दिन चैनल बनाइए उस दिन एक वीडियो अपलोड कीजिए ब्लॉग से रिलेटेड, और उसके बाद फिर आप जो है एक सप्ताह का गैप दे करके वीडियो अपलोड कीजिए, आपका चैनल जरूर ग्रो होगा। और माय फर्स्ट ब्लॉग का जो है ये टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन जो भी है ये सब आप लिखना है, और उसके बाद टैग डिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें माय फर्स्ट ब्लॉग जो दिया हुआ रहता है, उसके बाद मेरा फर्स्ट ब्लॉग जो कुछ भी होता है इससे ज़्यादा वायरल होता है। तो आखिर आज सब जितना भी मतलब कि ब्लॉगर है जो ब्लॉग चैनल चला रहे हैं उन सभी आदमी का जो यहाँ पे देखिएगा तो टाइटल टैग एंड डिस्क्रिप्शन में माय फर्स्ट ब्लॉग जरूर दिया रहता है। जैसे कि आप मेरे भी देख सकते हैं वीडियो में मैंने माय फर्स्ट ब्लॉग मैंने नाम दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा भी कुछ दिन से रैंक में आ रहा है, मेरा सर्च लिस्ट में आ रहा है, मेरा वायरल हो रहा है ये वीडियो, क्योंकि मेरा तो ये वीडियो फर्स्ट ब्लॉग है नहीं, क्योंकि मैं माय फर्स्ट ब्लॉग इसलिए दिया है क्योंकि आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि माय फर्स्ट ब्लॉग का जो है वायरल क्यों हो रहे हैं। अगर आपका वीडियो सेकेंड हो चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर माय फर्स्ट ब्लॉग का नाम देते हैं और आप सही से बना देते हैं माय फर्स्ट ब्लॉग यहाँ पे थंबनेल, तो आपके मतलब कि जरूर है कि वीडियो पे व्यू आना है, कोई ना कोई आपका चैनल पे आकर आपका वीडियो को क्लिक जरूर करेंगे और जरूर देखेंगे चाहे जितना देर हो सके। तो माय फर्स्ट ब्लॉग इस समय ज़्यादा वायरल हो रहा है, आप ब्लॉग चैनल बनाते हैं तो ब्लॉग वीडियो बनाते हैं तो अपना चैनल को यहाँ चैनल पर जाइए और ब्लॉग वीडियो पर वहाँ डालिए और माय फर्स्ट ब्लॉग का ऑप्शन देकर आप भी अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, मोनेटाइज करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही जानकारी थी जो मैंने आपसे शेयर किए हूँ, अगर आपको थोड़ा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।